कपिल सर का कहना है कि कल हम खुद से अपने आप जाके रांची यूनिवर्सिटी से यह बात करेंगे कि आप किस बेसिस पे सर्टिफिकेट संशोधन का बात कर रहे हैं। ये आश्वासन दिया गया है कि आज 5 बजे है सो आवेदन हम फॉरवर्ड कर देंगे हर जगह और अगला दिन तक जो भी होगा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। सर से हम ये भी बोले कि इसमें पॉजिटिव रिस्पांस है या नेगेटिव ये बता दीजिए। तो कंट्रोलर और रजिस्ट्रार सर का कहना है कि इसमें पॉजिटिव रिस्पांस ही है, ये मान के चलिए कि आपको संशोधन करके दे ही दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है अभी और वो लिख के दिए हैं। ग्रुप में भेज दिया जाएगा है ना, वो कंट्रोलर सर लिख के दिए हैं कि हम 22 तारीख को आपका आवेदन ये एक्सेप्ट किए हैं और जो भी इस पे कार्रवाई होगा उचित ये हम करेंगे और आप लोग का जो भी है वो संशोधन कर दिया जाएगा, ये बात कहा गया है। और अगर किसी को साथ में भी कंट्रोलर सर के साथ जाना होगा कल बात करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी, वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, ऐसा वो बोले हैं, ऐसा वो बोले हैं कि हमारे साथ भी अगर कोई आ सकते हैं तो जा सकते हैं जाके। दूसरा बात है लिखित है और दूसरा बात हम ये भी सर को बोल रहे हैं कि यदि जो भी समय दिया गया है उस समय के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो स्टूडेंट जो है वो उग्र और एकदम आमरण अनशन करेगा और जब गेट जाम होगा तो उस समय हम लोग इस बात का कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि आपको हम लोग बताए नहीं थे आज, है ना। आज बोला जा रहा था कि आप इतना भीड़ लेके अचानक क्यों आ गए, तो भीड़ लाने का मतलब था कि हम लोग 22 फरवरी को आवेदन दिए थे, एक महीना में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ तब हम लोग आज भीड़ लाए। अगर इसी तरह से अगला दिन तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा तो आगे हम लोग एकदम आंदोलन जारी रखेंगे और ये उचित मांग है ऐसा कंट्रोलर सर, रजिस्ट्रार सर और यूनिवर्सिटी का एक एक प्रतिनिधि का मानना है कि ये गलती यूनिवर्सिटी का है और वो संशोधन होगा। बस यही बात है, आज 5 बजे तक आवेदन होगा। देखिए एक बार डिमांड फिर से बता देंगे। डिमांड ये है सर कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2015 से जब CBCS लागू हुआ था उस समय जितने भी छात्र ग्रेजुएशन कर रहे थे उन लोग को ऑनर्स पेपर के साथ एकमात्र जेनरिक पेपर पढ़ाया जा रहा था और वो एकमात्र जेनरिक पेपर से जो है वो छात्र जो बीएड कर रहे हैं या बीएड नहीं भी कर रहे हैं उनको एकमात्र जेनरिक पेपर से क्या है कि अलग अलग तरह का जितना भी वैकेंसी नियुक्ति है उसमें वो एकदम बैठ नहीं पा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। चूँकि जो है सो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है जहाँ पे अनिवार्य रूप से 2 जेनरिक पेपर मांगा जाता है या ऐसा भी प्रावधान है कि बीएड में आपको 2 पेडागोगी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीएड में आपको एक ही पेडागोगी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसके कारण है कि ना तो आप झारखंड में PRT 1-6 का टीचर बन सकते हैं, ना ही मिडिल स्कूल का टीचर बन सकते हैं, ना ही आप TGT हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं। यहाँ तक बात है कि आप झारखंड में प्रयोगशाला सहायक नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 जेनरिक पेपर नहीं है और 2 जेनरिक पेपर नहीं है इस वजह से वो कॉम्बिनेशन में पेपर नहीं है और आश्वासन मिला है कि आप लोग को संशोधित करके दिया जाएगा। ये हम लोग का मेन मांग है कि हम लोग का जो 1 जेनरिक पेपर के साथ जो डिग्री मिला है उसमें एक और जेनरिक पेपर जोड़ते हुए एग्जाम लिया जाए। बिल्कुल सर, इसमें देखिए कि अभी क्या है कि कल जो है 21 तारीख को ऐसो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है और ये भी नियुक्ति निकल जाएगी यदि हम लोग को समय पे ऐसो संशोधित डिग्री नहीं दिया जाएगा, ये भी नियुक्ति निकल जाएगी और बहुत जल्द, चूँकि सरकार के पास भी बहुत कम समय है। सरकार अपने वादे के अनुरूप जो बोली थी कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, अगर वो देना भी चाहे एक साल में 10 लाख नौकरी दे दे तो हम लोग उसमें बैठने योग्य नहीं है यदि हम लोग के पास डिग्री नहीं रहेगा। तो यूनिवर्सिटी से हम मेरा यही कहना होगा कि आप समय के अंदर, जैसे रांची यूनिवर्सिटी क्या है कि अभी 5 अप्रैल से वो परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है, अभी उन लोग का एग्जाम फॉर्म भी भरवाया जा रहा है दूसरा जेनरिक पेपर का। नहीं, हम लोग इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ना सर, हम लोग इस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन यहाँ है, ये यूनिवर्सिटी हम लोग का है तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। जो छात्र रांची यूनिवर्सिटी से हैं वो वहाँ से सुधारेंगे, हम लोग का डिग्री जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से है तो हम लोग का संशोधन यहाँ से होना चाहिए। अब अमित भैया अपना रखेंगे कि क्या बात हुआ है क्या बोलिए।